आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आयोजक सीए श्री विमल बीना जैन मयूर विहार दिल्ली, निवेदक श्री दिगंबर जैन सभा मयूर विहार, श्री दिगंबर जैन महिला मंडल मयूर विहार दिल्ली। बाजे घुंघरो बाजे घुंघरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भजे सुख लीजे। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, वंदन करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बजे छम छम छम, जो बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। पहली आरती सिरिजिन राजा, भव दत पारे उतारो जिहाजा। दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटे वब फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। बजे छम 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 छम, बजे घुंघरो बजे घुंघरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। चौथी आरती सिरियो बछाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। छठी ग्यारह प्रतिमा धारी, सबक बल्दो आनंदकारी। इसलिए इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, वंदन करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बजे छम छम छम, सातवीं आरती माजिन वाणी, धानत स्वर्ग मोक्ष सुख दानी। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या होए मोक्ष दानी। इसलिए प्रभु तेरी आरती करो, वंदन करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बजे छम छम छम, जो बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। जो यह आरती करे करावे, सोनर नार अमल पल पावे। सोने का दीप कपूर की वाती, जगमग दीप जले सरी राती। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जबली पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बाबा बन गए, दादा दादी हो गए। ओम नमः। हाँ, सभी, हेलो, बैठो। सभी श्रावकगण
कृपया बैठ जाएं। अब हम भक्तांबर की महाअर्चना करने वाले हैं। प्लीज आप लोग सब आइए यहाँ पे, पीछे की ओर आइए, जितने भी श्रावकगण सामने की ओर हैं पीछे की ओर आइए और यथावत जल्द बैठिए। हम भक्तांबर स्तोत्र की महाअर्चना अब स्टार्ट करेंगे। डेढ़ घंटा मीटिंग हो गई, हाँ वो समझा देंगे, शांति रखो, ज्यादा वो मत। आप लोग प्लीज बैठिए, सरकार के बात में कोई दम, प्लीज बैठिए तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे। समाज में शांति रखो, हाँ गलत है ना बाबा, बैठिए प्लीज, कहना है और करना है। आप लोग आइए, परिषद ट्रस्ट के अंदर ही मंदिर बनाया सारा, हाँ हाँ हाँ, तो उसको देखिए भक्तांबर के 48 महास्त्रोत की अर्चना होने वाली है। इसमें हम ऐसे करेंगे कि एक एक स्त्रोत पे जो वॉलंटियर्स रहेंगे वो पांच पांच छह छह लोगों को बुलाते जाएंगे और वो दीप प्रज्वलित करेंगे। तो मैं वॉलंटियर्स जो हैं, महेंद्र बाबा नहीं, बीच में करो, पहले बात कर लो, और तबीयत वगैरह ठीक है? ठीक ठीक है, बीच में डिस्टरबेंस नहीं करेगा कोई, जो तय कर दिया वो ठीक है। प्लीज बैठिए, पहले बैठ जाइए और यहाँ आगे की ओर कोई नहीं आएगा, प्लीज गुरुजी के पास बाद में आएंगे। कुछ वॉलंटियर्स, नितेश भाई, नितेश भाई श्रद्धार्थ क्लब के चार पांच बंदे एक बार आइए ना मेरे पास, एक बार आइए, चार पांच श्रद्धार्थ क्लब के बंदे आइए मेरे पास, चार पांच बंदे आइए, प्लीज आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, कोई गुरुजी के पास नहीं जाएगा, वहां पे भी ब्लॉक कर दो, वहां पे भी ब्लॉक करो आप, तभी चालीस, हाँ आप बैठ जाइए यहाँ पे, बैठ जाइए, यहाँ से आगे कोई नहीं जाएगा, बाद में, बाद में जितने भी हैं बाद में, सब बाद में, आप मना कर दो सबसे, प्लीज बैठिए, आप लोग बैठिए पहले। ओम नमः। सामने एक सेकंड, आप एक घंटे बोलते रहोगे ना नहीं सुनेंगे, एक घंटे बोलोगे ना नहीं सुनेंगे, इधर सुनो गला बैठ जाएगा, नहीं एक सेकंड रुको, सबको बिठा देते, हाँ भैया हेलो, बात मत करो ना, ए हेलो भैया बात मत करो, बोलो नहीं इशारा करो, बैठने के लिए इशारा करो, बोलो नहीं, जो जहाँ खड़े वहीं बैठ जाओ, हेलो अम्मा बैठ जाओ, ए गुड़िया बैठ जाओ, बैठो, अरे बाबा तुम बैठो, तुम बैठो, बैठ जाओ, शांति से बैठो बाबू, भैया अभी बंद करो, अभी लाइव में वो मत करना है, बैठ। ओम नमः। हाँ भैया जो जा रहे वहीं बैठा देना, आगे हेलो, अब आगे किसी को मत छोड़ना, यहीं वहीं रोक देना, हेलो हाँ बैठा दो, बैठा दो। ओम नमः। हेलो हेलो, हाँ शुरू करो। भक्तामर प्रणते मौलि मणि प्रभाना मोद्योते कम दलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणाम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना। ओम रेम विश्व विघ्न हराय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा। यह संस्तुते सकल वाग्मय तत्व बोधा दोद्भूत बुद्धि पटु भी सूर्य लोक नाथे स्तोत्रै जगत्रितै चित्त हरै रुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ॐ रें नानामर संस्थाय स
सकल रोग हराय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभ जिनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा बुद्ध्या विना विबुधार्चिते पाद पीठ स्तोतुम समोदते मति विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मेन्दु बेब मन्य कईच्छति जना सहसा ग्रहीतुम ओम रेम सुज्ञान प्रकाशनाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निरवपामिते स्वाहा वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोथत नक्र चक्रम को वातरी तुमलम बुनिधेम्भुजाभ्या ओम रेम नाना दुख समुद्र तारणाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निरवपामिते स्वाहा सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीतात्म वीरम विचार मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम् ओम रेम सकल कार्य सिद्धि कराय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निरवपामिते स्वाहा अल्पश्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु ओम रेम याचितार्थ प्रतिपादन शक्ति सहिताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निरवपामिते स्वाहा त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम ओम रेम सकल पाप कुष्ठ निवारणाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निरवपामिते स्वाहा मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यति तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु अनेक संकट संसार दुख निवारणाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निरवपामिते स्वाहा आस्ताम तवस्त
सकल मनोवांचित फलदात्रे क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा। नात्यद्भुतं भुवने भूषण भूतनाथ भूते गुणे भुवि भवन्तं विष्टुवन्तं तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य एहिनात्मसमं करोति। ॐ ह्रीं अराजिन स्मरण जिन सम्भूताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर दुतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क एच्छे। ॐ ह्रीं सकल तुष्टि पुष्टिकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा। ये शान्ते राग रुचि भी परमानो भी स्वं निर्मापित श्री भुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलुते प्यणव पृथिव्यां यत्ते समान मपरम नहि रूपमस्ति। ॐ ह्रीं वांछित रूप फल शक्तये क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा। वक्त्रं क्वते सुरनरोरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानं बिम्बं कलंक मलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ॐ ह्रीं लक्ष्मी सुखविदायकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणा श्री भुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। ॐ ह्रीं भूत प्रेतादि भय निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नित्तं मनागपि मनो न विकारे मार्गं कल्पान्तकाल मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। ॐ ह्रीं मेरुवन मनोबलकर्णाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा। निर्धूम वर्तिर पवर्जित तैल पूर कृत्स्नं जगत्र
प्रकटि करोसि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश ॐ ह्रीं त्रैलोक्य लोक वशंकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युग पंज गन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा सिमुनींद्र लोके ओम रिम पापांधकार निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा नित्योदयं दलिते मोह महांधकारं गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ते विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंबम ओम रिम चंद्रवत सर्वलोकोद्योतन कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा किं सर्वरीषु शशिनाहिन्बिव स्वतावा युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीव लोके कार्य किया जलधरे जल भार नम्रे ओम रिम सकल कालुष्य दोष निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरा दिशु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि ॐ ह्रीं केवल ज्ञान प्रकाशिता लोकालोक स्वरूपाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा मन्ये वरं हरिहरादव एव द्रेष्टा द्रष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तोस्मेति किं वीक्षतेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरतिनाथ भवान्तरेऽपि ॐ ह्रीं सर्वदोषहर शुभदर्शनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निर्वपामिते स्वाहा स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुत्पं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् ॐ ह्रीं
अद्भुत गुणाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभ जनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा त्वामामनन्ति मुनिय परिमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्ता त्वामेव साम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्य शिव शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा ओम रिम सहस्र नामादीश्वराय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा त्वामावयं विभुम चित्तम संख्ये माध्यम ब्रह्म ब्रह्माणमीश्वर मनंत मनंग के तुम योगीश्वरं विदित योग मनेक मेकं ज्ञान स्वरूप ममलं प्रवदन्ति संता ओम रिम मनोवांचित फलदायकाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधा त्वं संकरोसि भुवन त्रय संकरत्वा धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि ओम रिम षड्दर्शन पारंगताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते तुभ्यं नमः श्रीभुवनात्रिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो शोषणाय ओम रिम नाना दुख विलीनाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर से स्वं संसृतो निरविकासतया मुनीश दोषे रूपात् विविधा श्रेजात गर्वै स्वप्नांतरेपि न कदा चिदपीक्षितोऽसि ओम रिम सकल दोष विनिर्मुक्ताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा उच्चैर शोक तरु संसृत मोन्मयूख मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त तमो वितानं बिम्बं रविरिव पयो धर पार्श्ववर्ती ओम रिम अशोक तरुतले विराजमानाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र विभ्राजते तव वपु कनकावदातम बिम्बम
वियत विलसदंशुलतावितानम् तुंगो दयाद्रशिरसि वसहस्त्ररश्मे ओम रिम मणिमुक्ता कचित सिंहासन प्रातिहार्य युक्ताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा कुंदावतात चले चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उच्च शशांक शुचि निर्झर वारि धार मुच्चैस्तटं सुरगिरे रिवशात कौंभम ओम रिम चतुष्षष्ठी चामर प्रातिहारे युक्ताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा क्षत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद शोभम प्रख्यापयत्रि जगत परमेश्वरत्वम ओम रिम क्षत्रत्रय प्रातिहार्य युक्ताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग स्त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्म राज जय सन खेदुंद भीर्ध्वनति ते यशसा प्रवादी ओम रिम त्रैलोक्याज्ञा विदायिने क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतान कादि कुस मोकर वृष्ट रुद्धा गंदोध बिंदु शुभ मंद मरुद प्रपाता दिव्या दिवह पतति ते वच साम ततेर्वा ओम रिम समस्त पुष्प जाति वृष्टि प्रातिहार्याय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा सुंभत प्रभाव भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोध दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या ओम रिम कोटि भास्कर प्रभामंडित भामंडल प्रातिहार्याय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ठ संधर्व तत्व कथनैक पटु श्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य ओम रिम ज
जलधर पटल गर्जित सर्वभाषात्मक योजन प्रमाण दिव्यध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वापामिते स्वाहा। उन्नेन्द्र हे मैं नव पंकज पुंज कांति पर्युल सनक मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त पद्म विभुदा परिकल्पयन्ति। ओम रिम पादन्यासे पद्मश्री युक्ताय क्लीम महावीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निरवपामिते स्वाहा। इत्थं यथा तव विभूतिर् भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृत प्रहतांधकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनोपि। ओम रिम धर्मोपदेश समये समौ शरणादि लक्ष्मी विभूति विराजमानाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निरवपामिते स्वाहा। चोतन्मदा विल विलोल कपोल मूल मत भ्रमत भ्रमरनाद विवृद कोपम ऐरावताभ मिभ मोदत मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ओम रिम हस्त्यादि गर्व दुर्धर भय निवारणाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामिते स्वाहा। भिन्ने बेकुंभ गल दुज्वल शोनि ताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रम गतम हरिणाधिपोपी नाक्रामति क्रम युगा चल संश्रितं ते। ओम रिम युगादि देवानां प्रसादात् केसरी भय विनाशिकाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निरवपामिते स्वाहा। कल्पांत काल पवनोदत वाहिन कल्पम दावानलम ज्वलिते मोज्वल मोत्स्फुलिंगम विश्वम जिगत सुमिव सम्मुख मापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम। ओम रिम संसाराग्नि ताप निवारणाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपम निरवपामिते स्वाहा। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधो ध्वतम पणिन मुत्फल मापतंतम आक्रामति क्रम युगेण निरस्त शंक स्वनाम नाग दमनी हृदयस्य पुंस। ओम रिम त्वन्नाम नाग दमनी शक्ति संपन्नाय
क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निरवपामिते स्वाहा। वल्ग तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलं बलवता मपि भूपतिना उद्दिवाकर मयूख शिखा पवेदम त्वकीर्तनात्म इवाशुभिदामुपैति। ओम रेम संग्राम मध्ये क्षेमंकराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निरवपामिते स्वाहा। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरना दुर्योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जे जेय पक्षास त्वपा वन गजादि भय निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निरवपामिते स्वाहा। अम्भो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठि रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवत स्मरणात् व्रजन्ति। ओम रेम संसाराब्धि तारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निरवपामिते स्वाहा। उद्भूत भीषण जलो दरबार भोग्न सोच्यं दशामुपगता श्रुत दाहताप जलोदर अष्टादश कुष्ठ सन्निपातादि रोग हराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निरवपामिते स्वाहा। आपाद कंठे मुरु शृंखल वेष्टितांग गाढ़ं मनीषं मनुजस्मरन्त संग स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम रेम नानाविध कठिन बंधन दूर करणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निरवपामिते स्वाहा। मत दुर्पेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महो दर बंधनोत्थम तस्याशुनाशु मुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। ओम रेम बहुविध विघ्न विनाशनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभजनाय दीपं निरवपामिते स्वाहा। स्तोत्र स्रजं
सकल कार्य साधन समर्थाय क्लीम महाबीजाक्षर सहिताय हृदयसिताय श्री वृषभजनाय दीपम निर्वपामेते स्वाहा। हाँ, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम। साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा। साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम। साधु जीवन चरणम जिन धर्म चरणम। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के, आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के, गणधराचार्य कुंसागर महाराज के, जैन धर्म के, जिनवाणी माता के, विश्व धर्म के। एक सेकंड रुको। जो बोले परम पूज्याचार्य श्री अक्षर सत्संग जी मुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, आप लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं। आज भगवान ऋषभदेव के इस मयूर विहार के मंदिर में हमारे धर्मानुरागी विमल जैन और बीना जैन दोनों का एक ही राशि है। विमल जैन जो है हमारे समाज के एक रत्न हैं। ताली बजाओ जोर से। तो ये GST के जो प्रैक्टिस करते हैं और पूरे वर्ल्ड में GST के जो किताबें हैं और सबसे टॉप के किताब किसी का है, विमल जैन का है। ये जैन समाज के लिए गौरव की बात है। और ये CA हैं, CS हैं और वकील हैं। और ये सब डिग्री होते हुए भी सबसे बड़ी बात है कि ये धार्मिक और आध्यात्मिक है और विश्व के पटल पर जैन धर्म के झंडा बुलंद करने वालों में एक हमारे स्तंभ है और युवा हैं। ऐसे सभी युवाओं को, इनके साथ में जितने भी युवा काम कर रहे हैं, हमारे
शादवादिवा क्लब भी यहाँ पर आए हुए हैं और महिला संगठन वाले बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एक तो जिनवर ज्योति पुंज है, ये रोजाना शाम को पाठ करते हैं। आप लोग सब लोग भक्तामर महामंडल यहाँ विधान हो रहा है, शाम को दीप अर्चना है और आज महाआरती कर रहे हैं। ताली बजाओ जोर से, बस बस, बीच में ताली बजाते तो दिक्कत हो जाती है ना। तो ऐसे हैं जितने भी लोग आप लोग यहाँ आए हैं कि भक्तामर अर्चना का जितने भी लाभ है सबको 101% मिले, ये मेरा मंगल आशीर्वाद है। हाथ जोड़ो, हे आदिनाथ भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपके स्तोत्र को पढ़ते पढ़ते, आपके स्तोत्र को पढ़ते पढ़ते, हम सभी भक्त, हम सभी भक्त अमर हो गए हैं, अमर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अमर हो गए हैं। जीव शाश्वत है, बोलो, शिव शाश्वत है, मेरी आत्मा शाश्वत है, मेरी आत्मा शाश्वत है, कभी भी मरने वाला नहीं है, कभी भी मरने वाला नहीं है। भक्तामर स्तोत्र से, भक्तामर स्तोत्र से हम यह अनुभव करते हैं, हम ये अनुभव करते हैं, भक्त अमर है, बोलो, भक्त अमर है। अमर का मतलब देव है, अमर का मतलब क्या है? देव है। परंतु यहाँ अमर का मतलब आत्मा है जो अमर है, बोलो, आत्मा, आत्मा अमर है, अमर है। शरीर, बोलो, शरीर, शरीर रोगमय है, रोगमय है, संसार दुखमय है, संसार दुखमय है। भक्तामर स्तोत्र से, भक्तामर स्तोत्र से संसार सागर से ऊपर उठकर, हाँ ऊपर करो, संसार सागर से ऊपर उठकर, बोलो, दर्शक से ऊपर उठकर हम आरती उतारते हैं, हम आरती उतारते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। राध है, बोलो, राग, राध का अर्थ समय सार में बताया, आत्मा, क्या बताया? आत्मा, चेतना, चेतना। आपने सुना सुना होगा राधा, राधा शब्द सुना है? राधा कोई स्त्री नहीं, राधा जो है आत्मा है। क्या है? आत्मा। श्री कृष्ण नारायण जो है ना बांसुरी बजा करके अपने आत्मा में लीन हो जाते थे। कहाँ लीन हो जाते थे? आत्मा में लीन हो जाते थे। समय सार में लिखा है संसिद्धि, बोलो, संसिद्धि, संसिद्धि, राग सिद्धि, राग सिद्धि, राधिदा महाराधिदम, महाराधिगम, एक अट्टम, एकदम, आराधना, बोलो, आराधना, आराधना मतलब अंतर आत्मा से, बोलो, अंतर आत्मा से, ऊपर हाथ करो, परमात्मा तक, परमात्मा तक पहुंचाने का, पहुंचाने का विधि, विधि आराधना है। आराधना, देखो, राध है, बोले, राग, उसके आगे अप शब्द लगा दो, अपराध, बोलो, अपराध। समझ में आ गए ना? राध अर्थात आत्मा से बाहर आना अपराध है। अगर कोई गुस्सा करते तो आप क्या बोलते? आपे से बाहर। जोर से बोलो, बाहर। आपा का मतलब क्या है? आत्मा। आपा का मतलब क्या है? आत्मा। हाँ, समझ में आ रहे ना? अगर और ज्यादा गुस्सा कर गए तो क्या बोलते हैं? आपा, आपा। अरे तो हमसे ज्यादा जानते हैं तुम लोग। ओम नमः, ओम नमः। ये समय सार का सार है आराधना, जो हम दीप आराधना कर रहे हैं अपने आत्मा को, बोलो, अपने आत्मा को, अपने आत्मा को पवित्र करते हैं। निराजन, बोलो, निराजन, ऐसे करो, निराजन, निराजन, निराजन का मतलब जैसे पानी में तैर के जाते हैं, जैसे पानी में संसार सागर से, बोलो, संसार सागर से तैरने के लिए, तैरने के लिए दीप अर्चना करते हैं, दीप अर्चना करते हैं, महाआरती करते हैं, महाआरती करते हैं। किसी ने मेरे को पूछा आरती होता है, महाआरती क्या है? बोलो, जो महानुभाव, बोलो, जो महानुभाव सब मिल करके, सब मिल करके महान भक्ति पूर्वक, महान भक्ति पूर्वक इस अंतर आत्मा को, इस अंतर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, परमात्मा से जोड़ने का इस संसार सागर से, इस संसार सागर से, हाथ करो, हाथ करो ऐसे, संसार सागर से, इस संसार सागर से पार उतारने का, पार उतारने का आरती उतारते हैं, आरती उतारते हैं भगवान के ओर, भगवान के ओर केवल ज्ञान के ओर, केवल ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए महाआरती है, महाआरती है। समझ में आ गए? आरती का मतलब छोटा सा दीपक है, केवल ज्ञान बहुत बड़ा दीपक है।
और इस भक्तामर में भी बताया, भगवान कभी भी बुझने वाला नहीं है, समझ गए ना। और दीप नहीं है, बोलो दीप। दीप है, बोलो दीप है। बत्ती नहीं है, भक्ति नहीं है। तेल नहीं है, तेल नहीं है। धुआं नहीं है, धुआं नहीं है। अद्भुत दीपक है, अद्भुत दीपक है। कौन से दीपक है? अद्भुत दीपक है। हाथ करो, सामान्य दीप से, सामान्य दीप से अद्भुत दीपक के ओर, अद्भुत दीपक की ओर यात्रा, यात्रा महा आरती है, महा आरती है। देखो मैंने अलग से बोला है ना, बोला है ना, बोला है, बोला। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो ये जो आरती हम उतारते हैं संसार सागर को, निराजनाकार बताया आचार्य ने। निराजनाकार का मतलब नीर, मतलब जल, संसार रूपी, बोलो संसार रूपी, हाथ करो, दुख रूपी, दुख रूपी जल से, जल से ऊपर उठने वाला, ऊपर उठने वाला, ऊपर उठाने वाला, ऊपर उठाने वाला महा आरती है, महा आरती है। अब करो आरती। श्रावकगण, आप सभी ने भक्तांबर स्तोत्र की महाअर्चना इतनी भक्ति के साथ की और आचार्य जी ने इतने सिंपल वर्ड में समझाया महाआरती की मीनिंग क्या है। मेरी आपसे प्रार्थना ये, अब हम महाआरती प्रारंभ करेंगे। जो वॉलंटियर्स हैं, एक तरफ जेंट्स की लाइन बनेगी और एक तरफ हमारी भाभी जी बहनों की लाइन बनेगी, और हम एक एक करके आगे आते जाएंगे और पीछे जाते जाएंगे। महाआरती में हम ऐसा कोशिश नहीं करेंगे कि हम लाइन छोड़ के आगे की ओर आ रहे हैं। तो एक चीज मैं बोलूं, अब आप लोग जरा रुक जाइए, मैं स्वाध्याय तब वालों से भी बोलूंगा, प्लीज आप लोग को संभालना है, आशीर्वाद आपको 101 मिलेगा। देखिए महाआरती में आचार्य जी ने कहा हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, तो हमें जयकारा हाथ ऊपर करके और बड़े तन मन से लगाना है। लगाएंगे ना आप लोग? बोले आदिनाथ भगवान की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की, जयकारा गुरुदेव का। अब हम महाआरती चालू कर रहे हैं, आप बैठे रहिए दो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अब चलो चलो, मैं बोलता हूँ। देखिए भाभी जी बैठो, भाभी जी जो व्यवस्थापक हैं वो व्यवस्था जरूर ना बिगाड़ें। देखिए मेरे वॉलंटियर्स, मेरे ब्रदर ने कहा कि जो बैठे हैं वो बैठे रहें, कुछ लोग जो आरती स्टार्ट करना चाहें वो आगे की ओर रहेंगे और एक एक करके आते जाएंगे। आप सब सहमत हैं? सहमत है, कोई नहीं उठेगा? और ऊपर जो हमारे हॉल में एसी में बैठ के लाइव देख रहे हैं उनको भी आवाज लगानी है, तो एक बार हम सब आवाज लगाएंगे, बोलो 2400 भगवानों की। चालू करवाओ महाराज जी, ठीक है अब करवाओ, तो चालू तो करवाओ। अभी हम वैशाली का कार्यक्रम कर रहे हैं। हेलो हेलो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज स्वाध्याय क्लब वाले यहाँ आइए, प्लीज भैया भैया स्वाध्याय क्लब वाले चार लोग यहाँ आइए। अभी अभी आचार्य से आशीर्वाद रोक लेते हैं, महाआरती हो जाने दें, महाआरती के बाद आप चार लोग आगे आ जाइए, रोक लीजिए अभी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग रुक जाइए जरा। नगर अयोध्या जन में जन गण मन रन जन, ओम जय आदिश प्रभु जय हो, बोलिए आदिनाथ भगवान की। प्रजापति कहलाए जग हित कर भारी, स्वामी जग हित कर भारी, जीवन व्रति सिखाई, जीवन व्रति सिखाई, नीव धर्म डारी, ओम जय आदिश प्रभु आदिनाथ प्रभु का।
करना कृपा अब हम पर, हो मेरे छिनेवर, हो मेरे भगवर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आदि नाथ प्रभु करना कृपा प्रभु हम पर, हो मेरे छिनेवर, हो मेरे प्रभुवर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। सकल विभाव को क्यागा हुए आत्म ध्यानी, स्वामी हुए आत्म ध्यानी, लोकालोक पिछाने, लोकालोक पिछाने भे केवल ज्ञानी, ओम जे आदिश प्रभो, गिर के लास पे जाके कीना तप भारी, स्वामी कीना तप भारी, करम शिखर को चोरा, करम शिखर को चोरा, वरनी सेवना रे, ओम जय आदि से प्रभु। ब्रह्मा विष्णु विधाता आदि तीर्थंकर, स्वामी आदि तीर्थंकर, सहस आठ नामों से, सहस आठ नामों से सुमरे सुर इंद्र, ओम जय आदि से प्रभु है। ऋषि मुनि घन नर नारी तुमको सब धावे, स्वामी तुमको सब धावे, सुर चक्री बदलेगे, सुर चक्री बदलेगे, शिव पद को पावे, ओम जय आदि से प्रभु। बिगड़ी मेरी हार जी तुम्हारी, सुन लो मेरे ही चिन राई, ओ मेरे आदिनाथ भगवान बना दो बिगड़ी मेरे, मेरे आदिनाथ भगवान बना दो बिगड़ी मेरे, बिगड़ी मेरी हाँ अर्जी तुम्हारी, सुन लो मेरे ही जिन राय, ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे मारु देवी केला, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे आदिनाथ भगवान बना दो बिगड़ी मेरी। जय बोले आदिनाथ भगवान की। चरण आरती करके सत सत सिर नाओ, स्वामी सत सत सिर नाओ, ऐसी युक्ति पाओ, ऐसी युक्ति पाओ, प्रभु समधन जाओ, ओम जय आदिश प्रभु, ओम जय आदिश प्रभु, स्वामी जय आदिश प्रभु, ऋषभ जी नंदा प्यारे, ऋषभ जी नंदा प्यारे, जीहु जग इस विभो, ओम जय आदिश प्रभु, ओम जय आदिश प्रभु, स्वामी जय आदिश प्रभु, ऋषभ जी नंदा प्यारे, ऋषभ जी नंदा प्यारे, तिहु जग इस विभो, ओम जय आदिश प्रभु, ओम जय आदिश प्रभु, ओम जय आदिश प्रभु। जय बोले आदिनाथ भगवान की। हाँ दूसरे आरती जी। जय बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। ओम जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा,
सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित्य सेवा ओम जय पारस देवा। पौष वधी ग्यारस काशी में आनंद अति भारी, स्वामी आनंद अति भारी, अश्वसेन बामा माताउन, अश्वसेन बामा माताउन, लीनो अवतारे ओम जय पारस देवा। श्याम वरण नव हस्त काय पर उरग लखन सोहे, सभी उरग लखन सोहे, सुरकति अति अनुपम पट भूषण, सुरकति अति अनुपम पट भूषण, सबका मन मोहे ओम जय पारस देवा। चलते देख नाग नागिन को मंत्र नव कार दिया, स्वामी मंत्र नव कार दिया, हरा कमठ का मान ज्ञान का, हरा कमठ का मान ज्ञान का, भानु प्रकाश किया ओम जय पारस देवा। मात पिता तुम स्वामी मेरे, आस करूं मैं किसकी, स्वामी आस करूं मैं किसकी, प्रभु बिन दाता और न कोई, प्रभु बिन दाता और न कोई, शरण कहूं मैं जिसकी ओम जय पारस देवा। तुम परमात्म तुम अध्यात्म तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, हे स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो, स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो, प्रभुवन के स्वामी ओम जय पारस देवा। दीन बंधु दुख हरण जिने सर तुम ही हो मेरे, स्वामी तुम ही हो मेरे, दीन तो शिव धाम को वास दास हम, तो शिव धाम को वास दास हम, द्वार खड़े तेरे ओम जय पारस देवा। हाय शिखर जी वाले परस बाबा, आया हूँ तेरे दर पे सवाले, शिखर जी वाले परस बाबा, आया हूँ तेरे दर पे सवाले, लब पे दुआए आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें भर झोली खाली, और ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, तुम्हारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, समिश्र तीर्थ क्षेत्र की। शिखर जी वाले परस बाबा, आया हूँ तेरे दर पे सवाले, लब पे दुआए आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद भर झोली काले, शिखर जी वाले परस बाबा, आया हूँ तेरे दर पे सवाले। विपद विकार मिटाओ मन का, अरज सुनो दाता स्वामी, अरज सुनो दाता, सेवक द्वे कर जोण प्रभु के, सेवक द्वे कर जोण प्रभु के, चरणों चित लाता ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित सेवा ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा। जुबली पारसनाथ भगवान की, जुबली वर्तमान शासनपति महावीर स्वामी भगवान की। आइए चलते हैं आरती की ओर। ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु, कुंड
पर अवतारी चानन पर अवतारी कृष्णानंद विभो ओम जय महावीर प्रभो ओम जय महावीर प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो कुंडल पुर अवतारी चातन पुर अवतारी तिसलानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु चलिए महावीर भगवान की सीधारथ घर जन्मे वैभव था भारी स्वामी वैभव था भारी बाल ब्रह्मचारी व्रत बालो तप धारी ओम जय महावीर प्रभो कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना मयूर बिहार को तुम भी चले आना मयूर बिहार को तुम भी चले आना उद्धार करने संघार करने चले आना प्रभु जी चले आना कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना ज्ञान विरागी सम दृष्टि धारी स्वामी सम दृष्टि धारी माया मोह विनाशक माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योत जारी ओम जय महावीर प्रभु जग में फाट अहिंसा आप ही विस्तारो स्वामी आप ही विस्तारो हिंसा पाप मिटा कर सुधर्म परिचारो ओम जय महावीर प्रभु चांदनपुर के अरे चांदनपुर के गांव में बुल भालो बीरा हम तो दर्शन कर नहीं जावेंगे चांदनपुर के गांव में बुल भालो बीरा हम तो दर्शन करने जाएंगे दर्शन करने जाएंगे हम वंदन करने जाएंगे दर्शन करने जाएंगे हम वंदन करने जाएंगे चांदनपुर के गांव में बुल भालो बीरा हम तो दर्शन करने जावेंगे जबली महावीर भगवान की विध चांदनपुर में अति से तरसायो स्वामी अति से तरसायो ग्वाल मनोरथ पोरो दूध गाय पायो ओम जय महावीर प्रभु अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना स्वामी तुमने प्रभु दीना मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीना ओम जय महावीर प्रभु बाबा कुंडलपुर वाले बिगड़ी मेरी बना दे बाबा कुंडलपुर वाले बिगड़ी मेरी बना दे तूने कितना को है तारा ये जानता जमाना अब आए मेरी बारी तो देर ना लगाना हम पे थोड़ी दयाद का ना तरसे काली ना लोटा ना हो मेरे नकबाले वो क्या कहना है ओ बाबा कुंडलपुर वाले बिगड़ी तेरे हवाले
बाबा कुंडल पुरवाले बिगड़ी तेरे हवाले भी तेरे अतिशय कैसे भी स्वामी अतिशय कैसे भी एक ग्रामत नदीनो एक ग्रामत नदीनो सेवा हित यह भी ओम जय महावीर प्रभो मैं तो पीले वाली छतरी पे दूध चढ़ाने आया हूँ चांदनपुर अपना भाग्य जगाने पतीले वाली छतरी पे दूध चढ़ाने आया हो चांदनपुर अपना भाग्य जगाने आया हो है चांदनपुर अपना भाग्य जगाने आया हो जय हो दर पर इच्छा कर आवे स्वामी भाव सहित आवे धन सुख सब कुछ पावे मन वांछित फल पावे संकट मिट जावे ओम जय महावीर प्रभु इस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जरे स्वामी जगमग ज्योति जरे हम सेवक चरणों में हरि प्रसाद चरणों में आनंद मोद भरे ओम जय महावीर प्रभु तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। अच्छा ये बताइए किस किस को लगता है कि महावीर भगवान ने सब लोग तकदीर बनाई उठाएंगे तो हाथ को सीधे सीधे क्या कहेंगे तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है हो दरबार तेरा बाबा दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है दरबार दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी त्रिशला नंद विभो ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु जब चांदनपुर की लाल की महावीर स्वामी भगवान की 2400 कौन करनी है जुबली 2400 भगवान की जी जी ओके हो करहो आरतिया जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे करहो आरतिया जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे तुम्हारे द्वारे स्वामी तुम्हारे द्वारे तुम्हारे द्वारे स्वामी तुम्हारे द्वारे करहो आरतिया जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे करहो आरतिया जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी ऋषभ अजित संभव जिन स्वामी अभिनंदन महाराज लगा दो नहीं किनार करहो आरतिया जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे सुमत पदम सुपार्श जिन स्वामी सुमत पदम सुपार्श जिन स्वामी चंद प्रभु भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे करहो आरती आ जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे पुष्प
पुष्पदंत शीतल सयांस जन पुष्पदंत शीतल सयांस जन वासुपूज भगवान जिने सर तुमरे द्वारे करहु आरती आय जिने सर तुमरे द्वारे जबली चौबीसा भगवान की जय हो विमल अनंत धर्म जिन स्वामी विमल अनंत धर्म जिन स्वामी शांतिनाथ भगवान लगा दो नैया किनारे करह आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे कुंतु अरे मल्ली जिन स्वामी कुंतु अरे मल्ली जिन स्वामी मुन सोबत भगवान लगा दो नैया किनारे करह आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे नम नेमी पारस जिन स्वामी महावीर भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे तुमरे द्वारे प्रभु तुमरे द्वारे तुमरे द्वारे प्रभु तुमरे द्वारे करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे करहु आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे जुबली चौबीसों भगवान की जुबली परम पूज्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज की ये पंखा बंद कर देना ये वहाँ वहाँ है वहाँ से कोने में वहाँ अरे अंकल जी वहाँ कोने में हो गया ठीक है करें शुरू जुबली परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य शेख सुसागर जी मुनिराज की अरे आपके सामने साक्षात विराजमान हो जयकार ऐसे लगा रहे हैं दोनों हाथ होने चाहिए ऊपर बिल्कुल सीधे सीधे दोनों हाथ सीधे होने चाहिए और तीन बार बोलना है जय हो जय हो जय हो जुबली परम पूज्य आचार्य शेख सुसागर जी मुनिराज की जयकारा गुरुदेव का हो सुत सागर की करने शुरू ओके ओके वहीं से साइड से करो दूर से करना साइड से करने शुरू चलिए सुत सागर की गोड़ो आगर की ले मंगल दीप प्रज्वल हो मैं आज उतारो आरतियां सुत सागर की गुड़ आगर की ले मंगल दीप प्रज्वल हो मैं आज उतारो आरतियां राम पासे डुबाए के गणप विषे गुरु आए कर्नाटक प्रांत में जन्म लिया है सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए ना रागी की ना द्वेषी की ना रागी की ना द्वेषी की ले दीप सुमन भर थाल हो मैं आज उतारो आरतिया गुरु उपवास तत्व के धारी आत्म ब्रह्म बिहारी हो गुरु उपवास तत्व के धारी आत्म ब्रह्म बिहारी खड़ग तार से विपथ पर चल कर शिथिलाचारि निवारी जे गुरु शिथिलाचारि निवारी ना रागी की ना द्वेषी की ना रागी की ना द्वेषी की ले आत्म ज्योति जगाए हो अच्छी गुरुवर फूला नहीं समाया ऐसे गुरुवर को जबने परम पूज्य आचार्य शेख सुसागर जी मुनिराज की देखिए आज जयकारा ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए और तीन बार बोलना है जयकारा जबने परम पूज्य आचार्य शेख सुसागर जी मुनिराज की जकारा गुरुदेव का
क्या कहना है? ओ ऐसे गुरुवर को, ऐसे ऋषिवर को, ऐसे गुरुवर को, ऐसे ऋषिवर को मैं बल्लू बारंबार हो मैं आज उतारू आरतिया सुत सागर की गुड़ आगर की सुत सागर की गुड़ आगर की ले मंगल दीप प्रजाल हो वे आज उतारू आरतिया है गुरु पर ज्ञान देवे बदले में कुछ न लेवे है ज्ञान के ये बोल ऐसे नहीं देखिए ऐसे नहीं आपको दोनों हाथ उठाने हैं दोनों हाथ उठाइए और फूलों की तरह बनाना है फूलों की तरह फूल होते हैं ना ऐसे अरे गुरु पर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना लेवे है ज्ञान के ये फूल सभी उठाओ ना एक बार दोनों हाथ सीधे होने चाहिए अरे गुरु पर ज्ञान देवे बदले में कुछ ना लेवे है ज्ञान के ये फूल अरे झूलवर है उपकारी ये ज्ञान के भंडारी गुरुवर है उपकारी ये ज्ञान के भंडारी कर जन जन का कल्याण है ज्ञान के ये फूल गुरुवर ज्ञान दे दे बदले में कुछ ना ले बे है ज्ञान के ये फूल गुरुवर ज्ञानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दे गुरुवर ज्ञानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दे हाँ ज्ञान दे दे हमें ज्ञान दे दे ज्ञान दे दे हमें ज्ञान दे दे गुरुवर ज्ञानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दे गुरुवर ज्ञानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दे हाँ सुत सागर के गुड़ आगर के सुत सागर के गुड़ आगर के ले मंगल दीप प्रज्वल हो मैं आज उतारू आरतिया में आज उतारू आरतिया में आज उतारू आरतिया जुबले परम पूज्य आचार्य श्री स्वास सागर जी मुनिराज के जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का नमोस्तु गुरुवर के लिए वो सारे काम करते हैं जहां हम कहते हैं जियो और सर ये ग्रुप जैन सोशल ग्रुप इसलिए रखा गया इसमें प्रोफेशनल और जो भी जैन लोग हैं मिलके सोशली आगे आते हैं और जैन प्रभावना को आगे बढ़ाते हैं जिसमें बच्चों की पढ़ाई जैन सोशल ग्रुप है अपन पूरा अभिषेक भाई सब कुछ बता रहा हूं मैं आप प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए हैं मुझे मालूम है तो ये ग्रुप और भी कई एक्टिविटीज इस सोसाइटी के लिए करता है समय कम है बहुत कुछ बोलना चाहता हूं महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया है सम्मान हो गया है अब हमारी बारी है अनुमोदना की जोरदार ताली जैन सोशल ग्रुप के लिए हाँ देखिए सन्मति फाउंडेशन वालों को खास आशीर्वाद है और अपने जैन ग्रुप वालों को भी बहुत सारे आशीर्वाद हैं कोई नए नए चीज़ें ये लोग करेंगे और नए नए चीज़ों को आविष्कार करके लोगों के लिए समाज के लिए स्वयं के उन्नति के लिए काम करेंगे ये मेरा मंगल आशीर्वाद विमल भैया सबको जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका हाँ अब मैं बुलाना चाहूँगा उत्थान फाउंडेशन सोनिका जैन जी डॉक्टर सोनिका जैन सीए राहुल जैन प्लीज आगे आए उत्थान फाउंडेशन प्लीज प्लीज फोटो ले लो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ले लो प्लीज प्लीज अब आ जाओ प्लीज भाभी जी क्विक क्विक समय कम है भाभी जी ले लो बाबू फोटो ले लो ले लिया बेटा चलो हो गया हो गया प्लीज 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 खाली कीजिए भाई साहब आदिनाथ भाले भाई साहब अब ये उत्थान फाउंडेशन क्या है मैं बताता हूं देखिए महाराज श्री एक मिनट रुक जाइए इधर आइए भाभी जी लोग एक मिनट अरे भाभी भाभी सेल्फी वाली भाभी देखिए ये लोगों का सम्मान तब तक
तक नहीं हो पाएगा जब तक हम सब मिलके इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। देखिए मैं भी बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा, लेकिन इनको सम्मानित करना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो काम कर रहे हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं और इनकरेज करते हैं। और अगर इस बीच अगर हम ताली भी नहीं बजा सकते, हम अनुमोदना भी नहीं कर सकते, कोरोना काल में महाराज जी लोगों को भोजन नहीं मिलता था, कोरोना में तो हम सब ने कितनों ने भोजन बांटा है। उत्थान फाउंडेशन इतना अच्छा काम करता है, 5 रुपए की थाली, सिर्फ कोरोना में नहीं, कोरोना से पहले, कोरोना के टाइम पे, कोरोना के बाद 5 रुपए की थाली उत्थान फाउंडेशन हर गरीबों के लिए, चाहे वो जैन हो या नॉन जैन हो। ये दो लोग ही आए हैं पर संस्था बहुत बड़ी है। ये डॉक्टर सोनिका जैन जो है ना, ये एस्ट्रोलॉजर हैं और न्यूमरोलॉजी हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आगे आपकी शादी होनी है नहीं होनी है, पास होना है नहीं होना है, डॉक्टर सोनिका जैन कभी इनको बुलाएंगे। और ये सीए राहुल जैन, प्लीज आशीर्वाद लें महाराज जी से। अच्छा ठीक है, हेलो। मैं सारा व्हाट्सएप ग्रुप पर डालूंगा, नवीन भाई साहब सारा व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा, आज टाइम नहीं है इसलिए। एक मिनट भाभी, भाभी आज टाइम एकदम नहीं है। फोटो ले लो बाबू, हाँ ले लो। शिवानी फिर दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे मेरे से। मेरी बात मोदी ने, थैंक यू वेरी मच। आइए राहुल जी अब मैं बुलाना चाहता हूँ, वैसे तो बुलाना मुझे ये जो जर्सी वाले हैं ना उनको है, लेकिन इनको थोड़ी देर में बुलाऊंगा। सेवा न्यास एक ऐसी संस्था है, हमारे इस मंदिर में भी हम लोग पाठशाला चलाते हैं, अकलंक विकलंक की पाठशाला। विजय भाई साहब हमारे प्रधानाध्यापक हैं उस पाठशाला के, और हम सभी बच्चों को जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं मोटिवेट करने के लिए। और जैन धर्म की क्लास चलाई जाती है जो हमारे विजय भाई साहब के अध्ययन में, मतलब सारे बच्चे आते हैं, बच्चे नहीं उसमें बड़े लोग भी आते हैं ये सीखने के लिए कि जैन धर्म है क्या। लेकिन अभी मैं जिस संस्था को बुला रहा हूँ उसका नाम है सेवा न्यास। ये संस्था भी लास्ट 12 साल से उन बच्चों को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली के पास पैसा नहीं है, आप चिंता ना करें, आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन दे दें और आपका नाम, आपके बच्चे का नाम किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और एक नहीं वो तो अच्छा, किसी ने सही कहा है, किसी ने सही कहा है कि जहाँ कोई नहीं मिले यहाँ भाभी जी लोग मिल जाएं। अगर नहीं, किसी के घर में कुछ नहीं बना तो अभी बात हो जाएगी। एक बार सुन लो, सेवा न्यास की तरफ से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे पीएनसी इंफ्राटेक वाले नहीं आए तो कमलेश भाई साहब को बुलाऊंगा। आपको पीएनसी इंफ्राटेक का नाम लिया आचार्य श्री प्रदीप जैन जी हैं, प्रदीप जैन जी जो विजय भाई साहब भी हैं, आ जाइए विजय भाई साहब। सुधा सागर जी महाराज का जो आगरा में चतुर्मास हो रहा है, आपको मालूम है मुख्य कलश कितने का गया है, 5.25 करोड़ रुपए का। और सेवा न्यास के अध्यक्ष कौन है आपको मालूम है, पीएनसी इंफ्राटेक जो 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी है उसके अध्यक्ष हैं प्रदीप जैन जी। वो आज आ नहीं पाए, दोपहर में मुलाकात हुई थी, लेकिन उनके पीछे जो कर्मठ टीम है, कमलेश जी, विजय जी, जो सेवा न्यास के लिए सारे अच्छे काम हमारी समाज के लिए करते हैं, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी बनती है। महेंद्र जी और अनिल जी भी सेवा न्यास के लिए बहुत काम करते हैं, मैं उनसे भी बोलूंगा अगर हैं तो आगे आए। महेंद्र जी और अनिल जी प्लीज। ले ले बेटा फटाफट। बोले आदिनाथ भगवान की। अब मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूं,
हमारे आचार्य श्री को आज चतुर्मास इस मंदिर में हो रहा है, पॉकेट वन फेज वन, और जिनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनने हमारी तरफ से हामी नहीं भरवाई होती तो आचार्य श्री का चतुर्मास नहीं हो पाता। आज हमारे बीच हम उनको संगपति कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराज जी बोलते ना, बोलो हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ, बोलो संगपति। राजेंद्र जी का भी हम सम्मान करना चाहेंगे जो हमारे मयूर विहार पेज वन पॉकेट वन के लिए ये जो चतुर्मास हो रहा है इनका बहुत योगदान है। हाँ जी, लो भैया जल्दी लो। हाँ, सब लोग खड़े हो जाओ। हाँ, ये लो। स्वागतम। हाथ लगाओ, आप लोग भी सब हाथ लगाओ। हाँ, ले ओ, अब फोटो ले ओ। स्वागतम। अब जिसकी बारी है उसके बारे में अगर मैं बोलूंगा ना, आपकी आंखें बाद में ले ले, आपके हाथ ये रखे हुए, आपके कान, आपका शरीर, आपकी आत्मा, मैं सच कह रहा हूं, ये एक ऐसी युवा क्लब है जो हर मंदिर जी में जाके, ऐसा नहीं एक मंदिर, इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर, यानी ये मलेशिया भी गए हैं, सिंगापुर भी गए हैं, दुबई भी गए हैं, जाके सुबह श्री जी की शांति धारा करते हैं, और पूरा ग्रुप जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप, और आज 501 बार 501 भोगल के मंदिर में सुबह इनने शांति धारा की है 501 बार। हाँ भैया इधर सुनो, शैलेंद्र भैया पांच जने थे, जब मेरे पास आए थे पांच जने थे, अब 500 भी ज्यादा क्रॉस कर चुका है, अब पूरे इसमें 5000 से भी ज्यादा हो, 50,000 बच्चे होना चाहिए पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, ये मेरा मंगल आशीर्वाद है। इसके बाद एक और चीज बताऊं, इसके बाद एक और चीज बताऊं। हेलो इधर सुनो, आचार्य श्री सन्मत सागर महाराज ने मेरे को स्पेशली पढ़ाया, और उन दोनों हम बहुत साथ में रहे, एक 16 अवस्था में महाराज जी थे, और उनसे पहले मैं मुनि दीक्षा लिया, वो जब मैं बहुत छोटा था तो ऐसे करते थे महाराज जी, तो आने के बाद ऐसे करने लग गए, तो मैंने बोला अब तो दाढ़ी आ गया है। चलो इधर सुनो, महाराज जी ने बच्चों को सबको बहुत जोड़ा, शादवाद पाठशाला, शादवाद युवा क्लब, शादवाद के नाम से महाराज जी ने बहुत प्रचार किया है, ये शादवाद युवा क्लब जो भी कुछ भी है आचार्य श्री के आशीर्वाद है, उसके बाद मेरा स्पेशल आशीर्वाद है। ये जो महाआरती आप देख रहे हैं ना, महाआरती महाआरती, ये युवा क्लब ने ही चालू की, गुप्ती सागर जी महाराज ने बिल्कुल चालू कराई, और ये दिल्ली के किसी एक मंदिर में जाके पूरा युवा क्लब नहीं आता, सारी भाभी जी आती हैं, मौका मिलने पे सेल्फी भी लेती हैं, मौका मिलने पे सेल्फी भी लेती हैं, और जहाँ कहीं बात नहीं हो पाती वो मंदिर में आके करती हैं। लेकिन इस क्लब ने धर्म प्रभावना में जो चीज़ें जोड़ी हैं, हम तो सुबह आ ही नहीं पाते, ये हर मंदिर में जाके शांति धारा करना, और शाम को महाआरती करना, और पूरे बच्चों के साथ फैमिली के साथ बहुत बहुत अनुमोदना। शैलेश भैया पूरी टीम के साथ आइए, और हमारी तरफ से मयूर विहार पॉकेट वन फेज वन की तरफ से हमारा सम्मान और जोरदार ताली एक बार इन सभी के लिए। आजिए शैलेश भाभी जी लोग आ जाइए, अब सेल्फी लेंगे, आइए अब सेल्फी लेंगे, आइए। और भी हैं क्या? और लोग भी हैं, तो इनको लास्ट में करते हैं। अलीश भैया ठीक है, ठीक है, दो मिनट रुको यार, हाँ। बीच में बिगने नहीं, दो मिनट कोई इशू नहीं, कर लेगा मेरी मेरी लिस्ट थी ना, मेरी लिस्ट को मैं, हाँ फिर आप आ जाना, सबको नहीं पता ना।
हाँ बाबू उनको आने दो। हाँ शैलेश भाई को, शैलेश भाई को, शैलेश भाई आपको सम्मान कर दिया, हमारे सबको सम्मान कर दिया। तुमको दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान, तुन खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान। ओ मांगती रहती तुझसे साँझ सवेरे, हाथ ये पहने रहते सामने तेरे, हाथ ये पहने रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा ऐसा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप खाली करें। देखिए आगे अभी हाँ। भी पांच छह संस्थाएं हैं। हाँ भैया, विमल भैया। हाँ हाँ महाराज जी। हाँ, हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। हाँ हाँ, फोटो ले लो, फोटो ले लो। ले लिया, बहुत आशीर्वाद है। मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्वादात क्लब वालों से, प्लीज खाली करें, अच्छे से दे दो, सॉरी प्लीज खाली करें। सब लोग हाँ बाबू खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप जैसा आपको। एक मिनट भैया, भैया भैया भैया, स्वादात क्लब वाले प्लीज। शैलेश भैया, शैलेश भैया बस निकल पाओ, सबको निकल पाओ। भैया आप लोग बाहर आओ, भैया बाहर आओ। स्वादात क्लब वाले प्लीज आप बाहर आए, प्लीज बाहर आए, प्लीज बाहर आए। आप मेरी हेल्प करें, भाई साहब, भाई साहब, गुरु भाई आइए, गुरु भाई। हेलो भाई, देखो एक बार में समझ में आ जानी चाहिए। ए नोनी इनका भी ले, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज की। देखिए आदरणीय श्री विमल जी का, श्री अरविंद जी का और समस्त मयूर विहार जैन समाज का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत मुश्किल था आज का आयोजन, क्योंकि जब ये आयोजन शुरू किया था तो हमारे पास कोई स्कीम नहीं थी कि हम सबको रिटर्न गिफ्ट में क्या क्या देंगे, हमें कुछ भी नहीं आइडिया था। आजकल आजकल जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो भीड़ जुटाने के लिए कुछ ना कुछ फ्री आइटम बांटी जा रही हैं, लेकिन ये गुरुदेव का वात्सल्य है जो आप सब लोगों को यहाँ पर खींच के आया है और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है। सभी को बहुत बहुत अनुरोध और बहुत बहुत धन्यवाद। स्वादार क्लब वाले जाएंगे नहीं, जस्ट जस्ट पांच मिनट के लिए, पांच मिनट के लिए। अहिंसा प्रभापना, अंकित जैन, नीरू भाभी, अहिंसा प्रभापना जल्दी आइए, जल्दी। अहिंसा प्रभापना, अंकित जैन, नीरू भाभी, विजय भाई साहब, बैंकिंग क्लब, आप आगे आए। विजय भाई साहब, बैंकिंग क्लब, प्लीज आगे आइए। बच्चों को जितना आनंद आया ना महाराज जी, नहीं बहुत आनंद आया, बच्चों ने बहुत इंजॉय। नहीं मेरे पास तो कुछ आज ही भैया, भैया आपके पास आ गया, मतलब मन खुश है। आज 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 लूना, लूना से नहीं करता मैं, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस शादवाद वालों को देता हूँ, कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो। महाराज जी ये भी शादवाद भी आपको देता है। हाँ ये तो आपके आशीर्वाद को लालायित रहते हैं महाराज। नए नए काम, वृक्षारोपण और काम, जब मैं कुनकुन मारती जाऊँगा ना, वृक्षारोपण का करेंगे, बड़ा प्रोग्राम, पीछे जंगल में बड़ा है जगह। ठीक है लाला, ठीक है चलिए चलिए। इसी के साथ आज की भक्तांबर स्रोत की महाअर्चना और महाआरती का समापन, लेकिन आप सब जलपान लेके जरूर जाएं, सबसे हमारा अनुरोध जलपान लेके जरूर जाएं। शैलेश भैया, श्रद्धा क्लब और जो भी भक्तगण श्रावकगण आए हुए हैं,
सबसे अनुरोध के जलपान बाहर व्यवस्था की गई है, जरूर लेके जाए। हेलो, हेलो। इसी के साथ एक बार बोलिए सुसागर जी महाराज की, बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, जयकारा गुरुदेव का, जय जय आचार्य श्री सुसागर जी महाराज की। सभी आमंत्रित अतिथि गणों से निवेदन, जलपान ग्रहण करके जाएं। आज की व्यवस्था जलपान करके श्री ऋषभ देव रिलीजियस चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से है, सभी ग्रहण कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। तो ले लेंगे आप ले लेंगे। जय जिनेंद्र बंधुओं, मयूर विहार के इस प्रांगण में आज दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए और भक्ति भाव से आरती करें। आचार्य श्रुत सागर महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर बहुत ही सुंदर भक्ति का कार्यक्रम हुआ। भारी संख्या में भीड़ थी और सभी संस्थाएं यहाँ पर उपस्थित थी। जैन युवा परिषद, जैन महिला परिषद, महासभा स्यादवाद, बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी और सब मिलकर हम लोग भक्ति भाव से प्रभु की आरती महाआरती करी। और श्री जिनवर ज्योति पुंज को मैं धन्यवाद अदा करूँगी कि इन्होंने बहुत ही मेहनत करके यहाँ पर यह कार्यक्रम किया और व्यवस्था किया और महाराज जी की सानिध्य में यह बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। मैं अध्यक्ष उपासना जैन आप यही कामना करूंगी कि ऐसे ही सभी लोग यहां पर एकत्रित हो और ऐसी मंगल भावना बनी रहे। जय जिने। मैं बिमल जैन, मेरी धर्म पत्नी बीना जैन आज मयूर बिहार पॉकेट वन फेज वन के मंदिर में हमने आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तांबर स्तोत्र की महाअर्चना की, महाआरती की। आज हमारे साथ जिनवर ज्योति पुंज, स्वादाद युवा क्लब और हमारी महासभा मयूर विहार फेज वन की और महिला मंडल ने, सभी ने, सारी समाज ने एक साथ मिलकर और बड़े जोर शोर से धर्म के साथ, भक्ति के साथ, तन मन के साथ आत्मा को भीतर से डाल दिया था। इस महाअर्चना में हमने भक्तांबर स्तोत्र की जो महाअर्चना की और महाआरती की, एक ऐसी अर्चना थी जो हमने आत्मा से परमात्मा की ओर, आचार्य श्री कह भी रहे थे कि महाआरती का मतलब है कि हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। सभी ने साथ दिया, सभी आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम जिन लोगों ने लाइव जिनवानी टीवी पे देखा या तीर्थंकर चैनल पे देखा या आदिनाथ चैनल पे देखा, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी ने या वो फिजिकली हमारे मंदिर में थे या फिर वो टीवी पर या यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे, सभी ने श्री जी को अपना भक्ति सहित नमोस्तु 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 किया। मैं बिमल जैन फिर से एक बार, बीना जैन, अपने पुत्र अनुमेय जैन, अनुराग जैन और सभी समाज के व्यक्तियों, समाज की तरफ से सभी को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए और आपने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।